दोस्तों, आज हम जिस शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस शहर को सिटी ऑफ लव और आइलैंड ऑफ पीस भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिलचर सिटी के बारे में। सिलचर जो हेडक्वार्टर है असम के कसार डिस्ट्रिक्ट का, बराक वैली का सबसे बड़ा शहर और असम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है सिलचर। इस शहर की स्थापना 1832 में ब्रिटिश कैप्टन थॉमस फिशर ने की थी, जब उन्होंने कसार के हेडक्वार्टर को सिलचर के जानीगंज में शिफ्ट की थी। इस शहर की कुल आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 1,72,830 है, जो इसे असम का दूसरा सबसे बड़ा शहर बनाता है। सिलचर बराक वैली का एक कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एडुकेशनल हब है। यहाँ NIT, असम यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट लोकेटेड हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें तो ONGC, कसर पेपर मिल जैसे बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ पहले से ही मौजूद है, जो कि इसे असम का एक इम्पोर्टेंट शहर बनाता है। दोस्तों, असम में कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं, तो आइए जानते हैं असम के इस महत्वपूर्ण शहर में बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इंडिया में रिसेंटली एविएशन सेक्टर में काफी तेजी से बूस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर में काफी तेजी से काम कर रहा है। कुछ सालों से एविएशन सेक्टर में नंबर ऑफ पैसेंजर्स और नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। उसी को देखते हुए नए नए ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स पूरे देश में तैयार किया जा रहा है। उसी में से एक प्रोजेक्ट सिलचर में भी अनाउंस किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द सिलचर में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है और इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाएगा। रिसेंटली सिलचर के MP राजदीप रॉय ने एक रिपोर्ट में कहा था कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेलिटीज थी उसे पूरा कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट रिसेंटली ही असम के मौजूदा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा किया गया था, जब वो सिलचर विजिट पे थे। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल द्वारा भी अप्रूवल मिल चुका है। अगर रिपोर्ट की माने तो ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, जिसे 870 एकड़ लैंड में तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में एक नया टर्मिनल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इसे सिलचर के नॉर्थ में डालूटी स्टेट के पास कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और अगर अभी की बात करें तो सिलचर में ऑलरेडी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, जो सिलचर के कुंभीर ग्राम में स्थित है। और ये एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगरतला और इम्फाल के बाद 4th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद इस एयरपोर्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगला प्रोजेक्ट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, यानी कि MMLP। दोस्तों, MMLP सेक्टर में सुधार के लिए केंद्रीय सरकार का प्रमुख नीतिगत पहल है। इसके जरिए ओवरऑल फ्रेट कॉस्ट की कटौती करना, व्हीकुलर पॉल्यूशन को कम करना और वेयर हाउसिंग कॉस्ट में कटौती करने का लक्ष्य सरकार द्वारा लिया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी प्रोग्राम के तहत देश भर में चुनिंदा स्थानों पर ऐसे पार्क्स डेवलप कर रहा है। अगर असम की बात करें तो जोगीघोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बाद सिलचर में भी एक लॉजिस्टिक पार्क बनाने का प्रपोजल सरकार की ओर से रखा गया है। सिलचर से करीब 12 किलोमीटर दूर सालचपरा में एक साइट का निरीक्षण किया गया है। सरकार ने दो कंपनी टाटा ग्रुप और जापान के CBRE को इस लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करने को कहा है। 6 फरवरी 2022 को सिलचर के MP राजदीप रॉय ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इस मेगा प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जरूरी फॉर्मेलिटीज जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों, अगर सब सही रहा तो जल्द ही हमें सिलचर में भी इस मेगा प्रोजेक्ट का काम शुरू होता हुआ नजर आएगा। नंबर 3 पे जो प्रोजेक्ट है वो है सिलचर ओपन स्पेस जू। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नए विकास के लिए असम के सिलचर में एक ओपन स्पेस जू शुरू किया जाएगा, जहां पे जानवरों को कहीं भी जाने की आज़ादी होगी और वो अपने इच्छा अनुसार जू के अंदर कहीं भी आ जा सकेंगे। 19 जनवरी 2022 को असम के मौजूदा CM डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। इस ओपन स्पेस जू को इस तरह से स्थापित किया जाएगा कि यहाँ रहने वाले सभी जानवरों को ऐसा माहौल मिलेगा जैसे उन्हें जंगल में मिलता है। जानवर चार दीवारी के अंदर प्रतिबंध या सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकेंगे। करोड़ रुपए के इस हाई बजट अमाउंट से इस जू की स्थापना की जाएगी और इस प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल साइट का टोटल एरिया 200 हेक्टेयर होगा। जू के अंदर पैदल जाने और घूमने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। जू में केवल सफारी राइड या लोग अपने खुद के व्हीकल से घूम और जानवरों को देख पाएंगे।
इस जू में फूड प्रोसेसिंग यूनिट और वेटरनरी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज भी होगी। इस नए विकास और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में बदलाव के साथ जू जानवरों के साथ म्यूजियम की तरह दिखने की बजाय अधिक गतिशील संस्थानों की तरह दिखेंगे। सिलचर में इस नए ओपन स्पेस जू का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना और उनके हैबिटेट में उचित सुविधाएं प्रदान करना है। चौथा प्रोजेक्ट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी का। 3,300 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर, जिसे इंडिया के वेस्ट में गुजरात के पोरबंदर और ईस्ट में असम के सिलचर तक बनाया जा रहा है। ये एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है जो कि 4 लेन में बनके तैयार हो रहा है। ये प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ये भारत का लॉन्गेस्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जिसका तकरीबन 90% काम पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को 10 अक्टूबर 1998 में अनाउंस किया गया था और इसका फाउंडेशन स्टोन 2004 में तब के मिनिस्टर और सरफेस ट्रांसपोर्ट बीसी खंडूरी और यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह द्वारा रखा गया था। ये प्रोजेक्ट अभी अपने कम्प्लीशन फेज पे है। अभी इस प्रोजेक्ट के आखिरी 2 स्ट्रेच का काम शुरू होना बाकी है और ये बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। और ये 2 स्ट्रेच है NH-54 में नारिम बंगलो टू जटिंगा सेक्शन और जटिंगा टू हरंगा जाओ सेक्शन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी द्वारा 1674 करोड़ रुपए फंड एलोकेट किया गया है सिलचर के MP राजदीप रॉय को इन 2 स्ट्रेचेस के कंस्ट्रक्शन के लिए। और इस प्रोजेक्ट को अहमदाबाद बेस्ड कंपनी इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, पांचवा और आखिरी प्रोजेक्ट है मिनी सेक्रेटेरिएट इन कसार। सिलचर में मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने को लेकर लंबे समय से बातें चल रही थी। इसे फरवरी 2021 को असम के कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। ये प्रोजेक्ट फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। सितंबर 2021 में असम के चीफ मिनिस्टर सिलचर विजिट पर आए थे, जहां उन्होंने इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस प्रोजेक्ट को 10 एकड़ लैंड में बनाया जा रहा है और इसे 3 साल के अंदर बनकर पूरा कर लिया जाएगा। इसे 116 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस मिनी सेक्रेटेरिएट में 6 डिपार्टमेंट्स होंगे, जिसमें पर्सनल रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी डिपार्टमेंट शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के बनने से बराक वैली के 3 डिस्ट्रिक्ट्स कसार, हाइलाकंदी और करीमगंज को काफी लाभ होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बनने से उन्हें आधिकारिक कामों के लिए गुवाहाटी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, यही थे कुछ प्रोजेक्ट्स जो असम के सिलचर सिटी में बनाए जा रहे हैं या बनाए जाने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक करें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।